Hi kids, welcome to your English class. And I am your teacher and mentor Ananya, and I am back with a new lesson of your class 8 book, that is Literary Journeys, an English reader for class 8 students by Brain Root Publication. And today we are going to start a new chapter, that is lesson number 7. आज हम लेसन नंबर 7 में एक ऐसे सोशल रिफॉर्मर के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है. एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर इज वांगरी मथाई एंड एम्बेसडर. तो बेसिकली हम वांगरी मथाई के बारे में पढ़ेंगे, हु इज अ वेल नोन एम्बेसडर. ओके, सो शुरू करते हैं. आइए, सो लेट्स बिगिन विद द वार्मिंग अप एक्सरसाइज. Do you know that amidst the deforestation around the globe, there are people who spend their lives protecting the environment, too vouching to save the green gold? Let us read one such activist named Wangri Maathai. See children, nowadays with the increase of population, it is very common that trees are being cut haphazardly. है ना, कई पेड़ों को काट दिया जाता है बिना सोचे समझे, क्योंकि लैंड की ज़रूरत है जहाँ पे बिल्डिंग्स बनाए जा सके ताकि लोग रह सके, लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर सके, इसीलिए अंधाधुंध कई बार पेड़ काटे जाते हैं. लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो लोग पेड़ों की इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा समझते हैं और ये लोग पेड़ों को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं. ऑलराइट, तो आज हम वांगरी माथाई, एक ऐसी ही सोशल रिफॉर्मर के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए काम किया है. पेड़ों को ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज दे आर ग्रीन इन कलर एंड वो सोने जैसे ही वैल्यूएबल हैं, बिकॉज ट्रीज गिव अस सो मेनी इन्यूमरेबल थिंग्स, राइट. तो वांगरी मथाई ने किस तरह से पेड़ पौधों को बचाया वो आज हम पढ़ेंगे. ओके, बट बिफोर वी स्टार्ट विद द चैप्टर, लेट्स गो थ्रू दिस टेबल विच इज़ गिवन इन योर बुक. स्टडी एटलीस्ट 5 ट्रीज फाउंड इन योर रीजन. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट और अदर रिसोर्सेज. सर्च फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड टैब्यूलेट इट. An example has been given for you. So if you see what you need to do, you have been assigned a task. आपको अपने region के आसपास किसी भी 5 अलग अलग पेड़ों के नाम और प्रजातियों को ढूंढना है. फिर आपको एक tabulation करना है, उसका एक table बनाना है जिसमें नाम लिखना है tree का, कहाँ कहाँ पर ये tree मिलता है, उसका लाइफ स्पैन कितना है, मतलब वो पर्टिकुलर पेड़ कितने साल तक जीता है, हाइट कितनी है उस पेड़ की, किस तरह के पत्ते हैं उस पेड़ पर, फ्रूट्स या फ्लावर्स देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस. लाइक यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बैनियन ट्री लिया है जिसका बॉटनिकल नेम है फाइकस बेंगालेंसिस. ओके, एंड ये श्रीलंका, इंडिया, साउथ ईस्ट में, एशिया में, चाइना में, मलेशिया में, बहुत सारी कंट्रीज़ में कॉमनली मिल जाता है, ठीक है. ये एक बैनियन का ट्री यूजुअली 200 से 500 साल तक जी सकता है. ऑलराइट, और इसकी हाइट ऑलमोस्ट 30 मीटर्स के आसपास होती है. साथ ही में ये काफ़ी थिक, यानी इसका तना जो है वो काफ़ी घना और चौड़ा होता है, और काफ़ी बनियान का पेड़ तो सभी ने देखा है, बनियान ट्री, बरगद का पेड़, उसमें क्या होता है काफ़ी घना होता है, रोप लाइक स्ट्रक्चर्स और ब्रांचेस जो हैं उसमें से सस्पेंड होते हैं. फ्रूट्स एंड फ्लावर्स की अगर बात करें तो थोड़े बहुत फ्लावर्स और कुछ फ्रूट्स जिन्हें हम फिग बोलते हैं वो इनमें कॉमनली उगते हैं. और अगर इम्पॉर्टेंस की बात करी जाए तो इंडिया में तो इसका बहुत इम्पॉर्टेंस है, बिकॉज रिलीजियस पर्पस से भी और नेशनलिटी के पर्पस से भी इंडिया का नेशनल ट्री भी माना जाता है, और इसका धार्मिक बहुत महत्व भी है, ठीक है. तो इसी तरह से आपको कोई 5 पेड़ जिनके नाम आपको पता हो और जो आपके रीजन में मिलते हों उनका एक टेबल क्रिएट करना है, ठीक है. अब बारी है पढ़ने की वांगरी मथाई के बारे में, सो लेट्स गेट स्टार्टेड.
About the author. She founded the Green Belt Movement in 1977 to plant trees across Kenya, alleviate poverty and end conflict. She was driven by a perceived connection between environmental degradation and poverty and conflict. Let's read the story. तो आज हम वांगड़ी मथाई एक ऐसी महिला के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने कीनिया, कीनिया इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस इन अफ्रीका जहाँ पर उन्होंने ये ग्रीन रेवोल्यूशन किया था, ठीक है। उन्होंने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट किया था इन द ईयर 1977, ठीक है। तो आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज़ हर पिक्चर वांगड़ी मथाई की। लेट्स स्टार्ट। Vangri Mathai's passion for trees and concern for the environment grew out of her love for her village and the rural countryside she grew up in. So Vangri Mathai originally एक village girl हैं। उनका जो upbringing है, उनका जो पालन पोषण है, वो सब गांव में शहर से थोड़ा दूर हुआ है और इसीलिए उन्हें पेड़ पौधों से विशेष लगाव है, ठीक है। शी स्पोक अबाउट अ लार्ज फिग ट्री नियर हर फैमिली होम दैट हर ग्रैंड मदर सेड वॉज सीक्रेट। शी वुड गेट वाटर फॉर द हाउस फ्रॉम द स्प्रिंग्स प्रोटेक्टेड बाय द रूट्स ऑफ दैट ट्री। तो उनका कहना है, अगर वो बचपन की अपनी स्मृतियों को याद करें तो वांगड़ी मथाई बताती हैं कि जब वो छोटी थी और उनकी दादी के साथ रहती थी तो उनके फैमिली होम यानी उनके घर के बाहर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ हुआ करता था और उस बरगद के पेड़ के आसपास ही झरने हुआ करते थे जहाँ से वो अपनी फैमिली के लिए पानी लाया करती थी। ऑलराइट। शी सेड अबाउट 200 यार्ड्स अवे फ्रॉम द फिग ट्री देयर वाज अ स्ट्रीम नेम्ड कनोंगू विद वाटर सो क्लीन एंड फ्रेश दैट वी ड्रैंक इट स्ट्रेट फ्रॉम द स्ट्रीम। उनका कहना था कि जब वो छोटी थी तब उस बरगद के पेड़ के आसपास, मतलब वो फिग ट्री के पेड़ के आसपास जो झरना बहता था उसका नाम था कनोंगू, ओके। एंड उस झरने का पानी इतना साफ और इतना ठंडा और शीतल हुआ करता था कि उसको ना बॉयल करने की ज़रूरत पड़ती थी और ना ही प्योरीफाई करने की ज़रूरत पड़ती थी। उसे वो लोग डायरेक्टली झरने में से पी लेते थे और अपनी प्यास बुझाते थे और पानी इतना अच्छा था कि पानी को पीते ही मानो शरीर में अजीब सी एक एनर्जी आ जाती थी। ऑलराइट। व्हेन वांगड़ी वाज यंग नॉट मेनी गर्ल्स गॉट अ चांस टू गो टू स्कूल फ्रॉम रूरल केन्या बट लकीली वांगड़ीज फैमिली सॉ दैट शी वाज वेरी ब्राइट एंड सेंट हर टू स्कूल। अब वांगड़ी का कहना है कि जब वो छोटी थी उस जमाने में लड़कियों को स्कूल भेजने का इतना चलन नहीं था। इनफैक्ट जो रूरल बैकग्राउंड की गर्ल्स हैं उनमें से तो शायद एक दो ही स्कूल जा पाती थी, ठीक है। पर वांगड़ी अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हैं। क्यों? बिकॉज उनकी फैमिली ने उनके गुणों को देखते हुए, उनकी बुद्धि को देखते हुए ये तय किया कि वांगड़ी को स्कूल भेजना चाहिए। एंड शी वॉज द गर्ल फ्रॉम हर विलेज हु वेंट टू गेट एजुकेटेड। She was smart enough to win a scholarship to study in USA. After finishing her college, she came back to Kenya to teach at the University of Nairobi. She was the first woman in the East and Central Africa to get a PhD and the first woman to head a department in a university. Children, वांगड़ी इतनी ज़्यादा पढ़ाई में अच्छी थी कि उन्हें आगे हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिली। उन्होंने अपनी कॉलेज लेवल की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद पीएचडी की एंड फाइनली वो कहाँ आ गई, अपने होम टाउन यानी केनिया में वापस आई और वहाँ नैरोबी में एक यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया एज अ प्रोफेसर। वो अपने क्षेत्र की पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने ना केवल पीएचडी किया बल्कि यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट को भी हेड किया। ऑलराइट। हाउएवर ऑन हर रिटर्न शी फाउंड दैट वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन हैज कॉज्ड टेरिबल मालन्यूट्रिशन एंड फेमाइन वाज स्टॉकिंग द लैंड। अब वांगड़ी ने सोचा कि क्यों ना बहुत एक अच्छा और पीसफुल लाइफ जिया जाए। अब तो कोई परेशानी ही नहीं है, पढ़ाई वो कर चुकी है और आगे का पूरा जीवन वो लोगों को पढ़ाने में बिताएंगी।
लेकिन जब वो वापस आई तब उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जैसा वो छोड़ के गई थी उनका गांव वैसा नहीं है। वहाँ मैसिव डिफॉरेस्टेशन हो चुका है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब कई कई पेड़ों को जो है उखाड़ फेंका गया है या काट दिया गया है, और इसी के चलते जो बच्चे हैं या जो उस टाइम के लोग हैं वो लोग माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं, मतलब कुपोषित हैं। उनको ठीक से खाना नहीं मिल रहा है और उनकी ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं हो रही है। अर्लियर वी लिव्ड इन अ लैंड अबंडेंट विद शर्ब्स, क्रीपर्स, फर्न्स एंड ट्रीज बिकॉज रेन फेल रेगुलरली एंड रिलायबली। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वॉज एवरीवेयर। देयर वर लार्ज वेल वाटर्ड फील्ड्स ऑफ मेज, बीन्स, वीट्स एंड वेजिटेबल। हंगर वॉज वर्चुअली अननोन, शी सेड अबाउट द लैंडस्केप ऑफ अर चाइल्डहुड। तो वांगरी ने जब ऐसा दृश्य देखा उन्होंने कहा कि जब मैं छोटी थी तब सिचुएशन ऐसी नहीं थी, हमने बहुत सुंदर देखा है, इनफैक्ट हमने प्रकृति के मनोरम दृश्य को एंजॉय किया है। हम जहाँ रहते थे वहाँ चारों तरफ घने पेड़ थे, छोटे छोटे पौधे लगे हुए थे, चारों तरफ क्लियर झरने बह रहे थे जहाँ से हमें पानी, खाना, फल, फूल हर चीज़ मिलती थी। इसीलिए लाइफ बहुत इजी थी, किसी भी तरह का कोई समस्या किसी को नहीं आता था। लेकिन आजकल कितनी सारी परेशानियां हैं पेड़ ना होने की वजह से। जब मैं छोटी थी तो बहुत सारे जो है खेत थे जहां अलग अलग तरह के फूड क्रॉप्स जैसे मेज़, बीन्स, वीट्स, वेजिटेबल्स सब ग्रो करते थे, इसीलिए सबको न्यूट्रिशियस फूड मिलता था। लेकिन अब सिचुएशन कम्प्लीटली रिवर्स हो गई है। वांगरी वॉन्डर्ड व्हाट हैपेंड टू द लश लैंड, व्हाई कुडंट वुमेन गेट क्लीन वाटर एंड हेल्दी फूड फॉर देयर फैमिलीज। अब वांगरी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। उन्हें लगा कि कुछ ही साल के लिए तो वो बाहर गई थी एजुकेशन के लिए, और इन कुछ सालों में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जहाँ हर जगह हरियाली ही हरियाली थी अब हर जगह बंजर ही बंजर है। अब वो सोच में पड़ गई कि क्या हुआ, गांव की औरतें क्यों कहीं से खाना नहीं जुटा पा रही हैं, क्यों अपने बच्चों और अपनी फैमिलीज़ को क्लियर पानी नहीं दे पा रही हैं, ऐसा क्या करें वो। गोइंग डाउन टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम शी रियलाइज दैट द लैंड हैड टू बी रीफॉरेस्टेड। Something had to be done about it and she decided that something was to plant trees. So finally उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, सोचा, लोगों से बातचीत की, और काफ़ी कुछ जानने और समझने के बाद वो उन्होंने एक ही कंक्लूजन किया कि अगर उन्हें ये परिस्थिति बदलनी है तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें वापस से रीफॉरेस्टेशन करना होगा। रीफॉरेस्टेशन का मतलब वापस से दोबारा पेड़ पौधे उगाने होंगे। शी बिगैन द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट इन अ स्मॉल नर्सरी इन हर गार्डन विच लेटर ग्रो इन टू अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ प्लांटेड मिलियन ऑफ ट्रीज इन अफ्रीका। तो कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिन्स एट होम, अपने घर से ही किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करनी चाहिए। तो वांगरी ने सोचा क्यों ना मैं भी इस आंदोलन की शुरुआत अपने घर से करूँ। उन्होंने अपने ही किचन गार्डन में पेड़ों को लगाना शुरू किया, और उनको देखते देखते आसपास के लोग भी उनसे इंस्पायर हुए, उन लोगों ने भी ऐसा ही किया, और धीरे 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 उनकी जो कोशिश थी वो रंग लाने लगी। कुछ ही समय में इस पूरे आंदोलन ने अफ्रीका में अपनी जड़ें मजबूत कर ली। सभी लोग अफ्रीका में पेड़ पौधों के बारे में बहुत ज़्यादा सचेत हो गए और पेड़ पौधे उगाने की कोशिश करने लगे। डिफॉरेस्टेशन हैड अकर्ड एज इन मेनी अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड बिकॉज फॉरेस्ट हैड बीन कट डाउन टू ग्रो कैश क्रॉप्स फॉर एक्सपोर्ट और टू बिल्ड हाई राइज बिल्डिंग्स। अब सबको पता था कि ये प्रॉब्लम या ये समस्या सिर्फ अफ्रीका तक ही सीमित नहीं है, विश्व भर में यानी दुनिया भर में लोग जो है पेड़ों को अंधाधुंध तरीके से काट रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ रहे हैं तो लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, उनके रहने के लिए घर, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट उनको खाना सप्लाई मिल सके, फूड सप्लाई मिल सके, इसलिए कैश क्रॉप्स का उगाना ताकि उनको हम अलग अलग जगहों पे एक्सपोर्ट कर सकें, ये भी एक मेजर रीज़न था डिफॉरेस्टेशन का। ऑलराइट,
She suggested, let us use it to intensify our commitment to our people. Let us embrace democratic governance, protect human rights, and protect our environment. I am confident that we shall rise to the occasion. I have always believed that solutions to most of our problems will have to come from us. तो वांगरी ने अपने यहाँ के सभी लोगों को कैसे प्रेरित किया, उन्होंने लोगों को समस्या बताई कि अगर इस तरह से हम पेड़ काटने लगेंगे तो एक टाइम के बाद हमें खाने पीने को ही नहीं मिलेगा, हम सर्वाइव ही नहीं करेंगे, राइट? इसीलिए हमें उतना ही पेड़ों को कट करना चाहिए जितना ज़रूरी है, और अगर हम एक पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह और कई पेड़ हमें उगाते भी रहने चाहिए, मतलब रिप्लेसमेंट चलता रहना चाहिए। उनका मानना था कि हमारी समस्याएं हमारी हैं तो सॉल्यूशन भी हम ही से निकलेगा। अगर हम स्थिर मन से सोचेंगे, सोच समझ के विचार करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे तो ज़रूर कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। In this year's prize, the Norwegian Nobel Committee has placed the critical issue of environment and its linkage to democracy and peace. Before the world, I am profoundly grateful for their visionary action. Recognizing that sustainable development, democracy and peace are indivisible is an idea whose time has come. तो वांगरी का मतलब मानना है कि सिर्फ पेड़ लगाने ही से ही नहीं चलेगा, हमें पेड़ लगाने के साथ साथ डेमोक्रेसी और विश्व शांति, इन तीनों पे भी बहुत ध्यान देना है। ये तीनों फैक्टर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है? अगर हम इन तीनों चीज़ों पे एक साथ ध्यान देंगे तो डेफिनेटली हम समस्याओं को आराम से सुलझा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इन समस्याओं को सुलझाते हुए हमें शायद थोड़ा वक्त लगे, लेकिन फॉर श्योर हम ये सारी समस्याओं को पार कर सकते हैं। माय इंस्पिरेशन पार्टली कम्स फ्रॉम माय चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर इन रूरल केनिया। आई वाज ग्रोइंग अप, आई विटनेस्ड फॉरेस्ट बीइंग क्लियर्ड एंड रिप्लेस्ड बाय कमर्शियल प्लांटेशंस व्हिच डिस्ट्रॉयड लोकल बायोडायवर्सिटी एंड द कैपेसिटी ऑफ फॉरेस्ट टू कंजर्व वाटर। सी, पेड़ों का बहुत सारा काम है। पेड़ जो हैं हमें कई तरीके से मदद करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, पेड़ हमें खाना देते हैं, पेड़ हमें मेडिसिंस देते हैं, पेड़ हमें वुड देते हैं जिनसे यूज़ करके हम फर्नीचर या घर बना सकते हैं, पेड़ हमें फाइबर्स देते हैं। इन सभी को साथ में लेके पेड़ एक और बहुत काम करते हैं जो है सॉइल इरोजन को रोकना और वाटर साइकिल को प्रॉपरली चैनलाइज करना या मेंटेन करना। अगर आज पेड़ नहीं हो तो अंडरग्राउंड वाटर टेबल भी सूख जाएगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस भी ख़त्म हो जाएगा, वाटर साइकिल में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, और साथ ही में जो सॉइल है जिन्हें पेड़ की जड़ें मजबूती से पकड़ के रखी है वो भी बहनी शुरू हो जाएंगी। तो उनका कहना है, वांगरी कहती हैं कि उन्हें जो इंस्पिरेशन है अच्छा काम करने की या पेड़ों को बचाने की, ये उन्हें उनके बचपन में उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया है अपने रूरल केनिया में, यानी केनिया के गांव में जब उन्होंने वक्त स्पेंड किया है तभी उनको ये समस्या जो है दिखने लगी थी। क्योंकि उन्होंने देखा कि कई बार क्या होता था कि जो जंगल थे, घने घने जंगल, उनको अचानक से काट दिया जाता था, उनको क्लियर कर दिया जाता था ताकि उसकी जगह प्लांटेशंस बनाए जा सके। प्लांटेशन मतलब एक बड़ी सी ज़मीन जहाँ पे किसी एक तरह का ट्री उगाया जा रहा है, ओके? सो जब उन्होंने ये देखा, उन्होंने देखा कि ये जो फॉरेस्ट क्लियर हो रहे हैं, यानी इन जो जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है, इसकी वजह से बायोडायवर्सिटी यानी कि जो हमारे प्रकृति का वातावरण है उसका संतुलन बिगड़ रहा है। पेड़ पौधे तो कट ही रहे हैं, साथ ही में जो जीव जंतु हैं उन्हें भी परेशानी हो रही है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी समस्या है, वो समस्या है कि पानी के कंजर्वेशन के लिए पेड़ एक अहम भूमिका निभाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा है। इन 1977 व्हेन वी स्टार्टेड द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, आई वाज पार्टली रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स आइडेंटिफाइड बाय रूरल वुमेन, नेमली लैक ऑफ फायरवुड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बैलेंस डाइट, शेल्टर एंड इनकम। थ्रू आउट अफ्रीका वुमेन आर द प्राइमरी केयर टेकर्स, होल्डिंग सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टाइलिंग द लैंड एंड फीडिंग देयर फैमिलीज।
तो उनका कहना है कि जब मैंने ये ग्रीन बेल्ट मूवमेंट शुरुआत किया, तब क्योंकि मैंने अपने घर से, अपने गांव से ही शुरुआत की थी, तो कई जो गांव की महिलाएं हैं उनके साथ मेरा रोज़ इंटरेक्शन होता था, रोज़ उनके साथ बातचीत होती थी, मैं बैठ के उनकी समस्याओं को जानने और समझने की कोशिश करती। तो कई महिलाओं ने मुझे जो समस्याएं बताई हैं वो कुछ इस तरह से थी कि साफ़ पानी की कमी, यानी पीने का पानी नहीं है, बैलेंस डाइट, पोषित आहार नहीं है, शेल्टर यानी रहने के लिए जगह नहीं है, और साथ ही में काम भी नहीं है, इनकम भी नहीं है। और वांगरी कहती हैं कि अफ्रीका में वुमेन जो हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह होल्ड करती हैं, पोजीशन होल्ड करती हैं, वो प्राइम केयर टेकर्स हैं। लड़कियों के बिना या औरतों के बिना अफ्रीकन कल्चर को सोचना नामुमकिन है, क्योंकि खेतों में काम करने के साथ साथ अपने फैमिली का ध्यान देना ये भी अफ्रीकन लेडीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से करती हैं, एंड ये उनकी ज़िम्मेदारी का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो इसीलिए उनकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दे आर ऑफन द फर्स्ट टू बिकम अवेयर ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज एज रिसोर्सेज बिकम स्केर्स एंड इनकेपेबल ऑफ सस्टेनिंग देयर फैमिलीज। और इसीलिए उनकी बातों को इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहली इंसान है जिसे सबसे पहले अंदाज़ा लग जाता है कि कहाँ पर समस्या है। वो खाना बनाती भी हैं, खाना उगाती भी हैं, खाना खिलाती भी हैं, इसीलिए कोई भी अगर कमी होती है तो सबसे पहले उनकी नज़रों में ये चीज़ आ जाती है। आई केम टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन द एनवायरनमेंट इज़ डिस्ट्रॉयड, प्लंडर्ड और मिसमैनेज्ड, वी अंडरमाइन अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड दैट अवर फ्यूचर जनरेशंस। ट्री प्लांटिंग बिकेम अ नेचुरल चॉइस टू एड्रेस सम ऑफ द इनिशियल बेसिक नीड्स आइडेंटिफाइड बाय द वुमन। अब वांगरी का कहना है, जब मैं उन औरतों से बात करती थी, मैंने एक चीज़ तो पकड़ ली कि इन सब की समस्याओं का एक कड़ी जो जोड़ती है वो है पेड़ पौधे। क्योंकि देखो, अगर पेड़ होंगे तो ऑटोमेटिकली पानी की समस्या सॉल्व होगी, पेड़ हमें पोषण देते हैं, आहार देते हैं, तो बैलेंस डाइट मिलेगा, शेल्टर के लिए लकड़ी मिलेगी, वो भी एक तरह से काम होगा, और इन फॉरेस्ट या खेतों में जो काम करेंगे उससे इनकम भी जनरेट होगी, राइट। तो एक पेड़ पता नहीं कितनी ही समस्याओं का सॉल्यूशन कर देता है। ठीक, ऑल्सो ट्री प्लांटिंग इज सिंपल, अटेनेबल एंड गारंटीज क्विक सक्सेसफुल रिजल्ट्स विद इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट टू सस्टेन इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट। सो टुगेदर वी प्लांटेड ओवर 30 million ट्रीज that provide fuel, food, shelter and income to support children and education and household needs. So वांगरी का मानना है कि ये जो 30 million पेड़ उन्होंने उगाए, इन 30 million पेड़ों ने काफ़ी हद तक उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया है, क्योंकि ये वही पेड़ हैं जिन्होंने उनको खाना भी दिया है, फ्यूल भी दिया है, शेल्टर भी दिया है, क्योंकि बिल्डिंग मटीरियल्स दिए हैं, ठीक है, और साथ ही में इनकम भी दिया है, जिससे कि जो गांव की महिलाएं हैं इससे पहले जो समस्याएं फेस कर रही थी उनका अब सॉल्यूशन हो रहा है। द एक्टिविटी ऑल्सो क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एंड इम्प्रूव सॉयल्स एंड वाटरशेड्स। उनका कहना है कि ये जो ग्रीन बेल्ट रेवोल्यूशन है या ग्रीन बेल्ट मूवमेंट है, इसने बाकी समस्याओं को तो हल किया ही, साथ में जो मैंने अभी आपको बताया था कि सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल किया और वाटर लेवल को मेंटेन करने में भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। थ्रू देयर इन्वॉल्वमेंट्स वुमेन गेन सम डिग्री ऑफ पावर एंड ओवर देयर लाइफ, स्पेशली देयर सोशियो इकोनॉमिक पोजिशन एंड रेलिवेंस इन द फैमिली। दिस वर्क कंटिन्यूज। अब उन्होंने ये जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट किया ना, इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं महिलाएं थीं, जो ये गांव की औरतें थे वो लोग शामिल थे। इससे उन महिलाओं को भी रिकॉग्निशन मिला, उनको भी एक पहचान मिली समाज में भी और अपने परिवार में भी। इनिशियली द वर्क वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज हिस्टोरिकली अवर पीपल हैव बीन पर्सुएडेड टू बिलीव दैट बिकॉज दे आर पुअर दे लैक नॉट ओनली कैपिटल बट ऑल्सो नॉलेज एंड स्किल्स टू एड्रेस देयर चैलेंजेस। इंस्टेड दे आर कंडीशन टू बिलीव दैट सोल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड। फर्दर वुमेन डिड नॉट एट दैट टाइम रियलाइज दैट मीटिंग देयर नीड्स डिपेंड ऑन देयर एनवायरमेंट बींग हेल्दी एंड वेल मैनेज्ड। तो वांगरी का कहना था
कि आज ग्रीन मूवमेंट बहुत इजी है, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट इतना पॉपुलर है, लेकिन जब उस ज़माने में हमने ये शुरुआत की थी तब चीज़ें इतनी आसान नहीं थी। औरतों को समझाना, उनकी सोच को बदलना, ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा चैलेंज था, क्योंकि वो जो टाइम पीरियड था उस वक्त अफ्रीका में लोगों की सोच अलग थी। उनका मानना था कि हमारी प्रॉब्लम्स का हल हम कर ही नहीं सकते, ना हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन करें, हमें तो हमेशा बाहर से ही मदद लेनी पड़ेगी, हम अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले लोगों की सोच, उनका माइंडसेट बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि एक बार अगर आपकी सोच बदल जाती है तो आगे का रास्ता बहुत ईजी होता चला जाता है। ऑलराइट, दे वर ऑल्सो अनअवेयर दैट डिग्रेडेड एनवायरमेंट लीड्स टू स्क्रैम्बल फॉर स्केयर्स रिसोर्सेज एंड मे कल्मिनेट इन पावर्टी एंड इवन कॉन्फ्लिक्ट। दे वर ऑल्सो अनअवेयर ऑफ द इनजस्टिस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलप्ड सिटीजन एजुकेशन प्रोग्राम ड्यूरिंग विच पीपल आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम्स कॉज एंड सोल्यूशंस। Then they made connections between their actions and problems they witnessed in the environment and in the society. So because of the lack of the knowledge, उनको ये पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। Initially, वांगरी ने जब शुरू में अपने proposals देने शुरू किए या अपनी बातें बतानी शुरू की, पहले तो लोग उसको accept ही नहीं कर पाते, वो सिर्फ बड़े अचंभे के साथ या आश्चर्य के साथ वांगरी को देखते कि कैसी बातें कर रही हैं। But slowly and gradually, जब वांगरी ने अपने किचन गार्डन से शुरुआत की प्लांटेशन की और धीरे धीरे उस किचन गार्डन से पेड़ उगने लगे और उसके रिजल्ट्स सामने आने लगे, तब स्लोली एंड ग्रेजुअली लोगों ने रियलाइज़ किया कि वांगरी जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। दस द पुअर डिसएडवांटेज मैनी ऑफ देम वुमेन एंड चिल्ड्रन गॉट पुश्ड इनटू पावर्टी एंड हंगर। और क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं था, कोई ने गाइड करने वाले नहीं था, इसीलिए कई सालों तक ये जो महिलाएं हैं और उनके बच्चे हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं, ये बेचारे गरीबी और भूख का शिकार होकर। कनेक्टिंग द डॉट्स, वांगरी रियलाइज दैट टू फिक्स द एनवायरनमेंट शी हैज़ टू फाइट फॉर पीपल्स राइट एंड डेमोक्रेसी। देन प्रेसिडेंट ऑफ केन्या कॉल्ड हर अ मैड वुमन बिकॉज शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द स्कीम that could harm the environment. She was often beaten during the protests she led and went to jail many times, but she persevered with her fight. When asked what kept her fighting, she told the story of hummingbird that her mother had told her. तो वांगरी कहने लगी कि ये जो रास्ता आज हमने तय किया है ये इतना आसान और इतना स्मूथ नहीं था। इस आंदोलन को प्रॉपरली लॉन्च करने के लिए कई बार उन्हें गवर्नमेंट तक से लड़ना पड़ा। उन्हें कई ऐसे स्कीम्स जो गवर्नमेंट लॉन्च करती थी और जो लोगों के लिए हानिकारक है या पर्यावरण के लिए हानिकारक है, उनके खिलाफ उनको आवाज़ उठानी पड़ती थी, रैलीज निकालने पड़ते थे या नारे लगाने पड़ते थे। और ऐसे प्रोटेस्ट और रैलीज में कई बार लाठीचार्ज होता था, कई बार उन पर भी हमला हुआ और उनको जेल भी भेजा गया, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दिया, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मन में ठान लिया था कि अब वो जो छवि है उसको बदल के ही रहेंगी। ठीक है, और जब उनसे पूछा गया इंटरव्यू के दौरान कि ऐसा क्या है जिसने आपको हार नहीं मानने दिया और आप निरंतर अपने लक्ष्य की ओर प्रयास करती रही, तब उन्होंने एक कहानी बताई जो उनकी मदर उनको सुनाती थी, एक हमिंग बर्ड की कहानी जो बचपन में उनकी मदर ने सुनाई थी। तो क्या थी वो कहानी, लेट्स स्टडी। वंस देयर वॉज अ टेरिबल फॉरेस्ट फायर, एक बार जंगल में आग लग गई। ऑल द एनिमल्स केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड स्टूड ऑन द एज ट्रांसफिक्स्ड। सारे जो जंगल के जानवर थे, एनिमल्स थे, वो एकदम जंगल के बाहर आकर खड़े हो गए। As they watched the forest burning, they felt powerless except for this one hummingbird. अब बाकी जो animals थे वो बेचारे वहीं खड़े होके अपने जंगल को, जंगल उनका घर होता है, उसको जलते हुए देखने लगे। उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन एक hummingbird थी जिसने ऐसा नहीं किया। The hummingbird took how much water it could in its tiny beak and threw it on the blaze. As it whirled its wing and flew again and again from the stream of fire,
The animals watched helplessly, including the bigger animals like elephant, which could have carried a lot of water in its trunk. तो उस हमिंग बर्ड ने बाकी एनिमल्स जब शांति से देख रहे थे कि कैसे पेड़ जल रहा है और दुखी हो रहे थे, उस हमिंग बर्ड ने आस नहीं छोड़ी। उसने क्या किया, पास के झरने से जितना भी पानी वो अपने चोंच में ला सकती थी उसको लाकर आग में छिड़कना शुरू कर दिया और विंग्स को फ्लैप करना शुरू कर दिया ताकि आग बुझ सके। हमिंग बर्ड थी तो बहुत छोटी सी, लेकिन उसने फिर भी कोशिश करनी नहीं हारी। उसके उल्टा जो जानवर काफ़ी बड़े थे, जैसे एलिफेंट्स वगैरह, जो अपनी सूंड में पानी भर सकते थे और पानी का शावर स्प्रे कर सकते थे, वो लोग बाहर खड़े होकर जंगल को जलते हुए देखने लगे। दे टोल्ड द हमिंग बर्ड, वॉट डू यू थिंक यू कैन डू, यू आर टू लिटिल एंड द फायर इज सो बिग, हाउ कैन यू हेल्प। तो उन लोगों ने हमिंग बर्ड को इस तरह से काम करते हुए देखो हमिंग बर्ड को टोकना शुरू किया, रोकना शुरू किया। उन्होंने कहा, अरे अरे तुम कैसी मूर्खता भरा काम कर रही हो, तुम जल जाओगी, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी छोटी सी हो, तुम पूरे जंगल की आग बुझा दोगी, चारों तरफ आग लगी हुई है, तुम्हारे दो बूंद पानी से क्या होगा। द लिटिल हमिंग बर्ड टर्न टू देम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड सेड, आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन एंड दैट टू मी इज वॉट ऑल ऑफ अस शुड डू। I will be that hummingbird, said Wangari Maathai. तो हमिंग बर्ड ने उन एनिमल्स को बोला कि जितना मेरे अंदर क्षमता है, जो मुझसे किया जाएगा मैं वो काम ज़रूर करूँगी, मैं हार नहीं मानूँगी, मैं जितना कर सकती हूँ डेफिनेटली मैं उतनी कोशिश तो करके ही रहूँगी। और मुझे लगता है हम सभी को यही करना चाहिए, हमारी क्षमताओं के अनुसार कोशिश करनी चाहिए, कोशिश को नहीं छोड़ना चाहिए। और वांगरी कहती हैं कि मैं भी वो हमिंग बर्ड हूँ, चाहे मैं सक्सेसफुल हो पाऊँ या नहीं हो पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। एंड शी वॉज ऑल हर लाइफ, इट हैज़ मेड अ डिफरेंस, पीपल आर मोर अवेयर दैट वॉर, पीस, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट आर ऑल कनेक्टेड। वी कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम इन आइसोलेशन विदाउट कंसिडरिंग एवरीथिंग एल्स। तो वांगरी ने जैसा कहा उन्होंने वो करके भी दिखाया, उनका कहना बिल्कुल सही था। आज उनकी वजह से अफ्रीका में कई लोग एजुकेटेड हैं, और ना सिर्फ वो एजुकेटेड हैं, वो लोग अच्छी तरह से समस्याओं को जानते भी हैं और उनका हल निकालना किस तरह से है वो भी सीख चुके हैं। As she said in her Nobel Peace Prize acceptance speech, Sustainable development, democracy and peace are indivisible. जब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था तब उन्होंने जो अपना भाषण दिया था, जब उन्होंने स्पीच दी तो उन्होंने मंच पे कहा था कि मेरा ये मानना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और पीस ये एक साथ हमेशा चलते हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, इनका विभाजन कर पाना मुश्किल है। All right, so with this we are done with the reading and explanation of the chapter. I hope students that you enjoyed the chapter. आज हमें वांगरी मथाई के बारे में पता चला, एक और फेमस सोशल रिफॉर्मर जिन्होंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। और हमें क्या सीख मिलती है, हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी समस्याओं से भागना नहीं चाहिए और समस्याओं का हल ढूंढते रहना चाहिए। हमारे अंदर जितनी क्षमता है अपने क्षमताओं के अनुसार हमें किसी ना किसी तरीके से काम करते रहना चाहिए, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू गो थ्रू द ग्लॉसरी सेक्शन एंड रीड द वर्ड मीनिंग, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण, वीकनेस कॉज्ड बाय नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, यानी खाना ना मिलने की वजह से जो बॉडी में वीकनेस आ जाती है, ठीक है। Stocking the land means spread throughout the land, यानी land पे फैला हुआ। Cash crops, ऐसे food crops या इस तरह के फसल जिसको उगाया इसलिए जाता है ताकि उसे बाद में काट कर बेचा जा सके और पैसे मिल सके, ठीक है। Democracy means equality, abundant means in a very large quantity, काफ़ी ज़्यादा amount में। Virtually means almost nearly, ह्यूज मीन्स बहुत बड़े आकार का, वेरी बिग, ओके। रेलिवेंट मीन्स ऑपोजिट ऑफ एप्लीकेबल, एंड इनकेपेबल मीन्स नॉट एबल टू डू समथिंग, यानी किसी चीज़ को ना कर पाना, ठीक है। सो वी आर डन विद द वर्ड मीनिंग्स, नाउ
let's get started with the exercises. Let's move towards the comprehension. First question is multiple choice questions. So let's begin. Pehla question hai, Wangri won a scholarship to study in Japan, Africa, USA, none of these. She won a scholarship to study in USA, वहाँ उन्होंने अपनी higher education पूरी की थी. Wangri wondered what happened to that school, lush land, country, none of these. What happened to the lush land? जो हरा भरा एरिया था उसको क्या हो गया. Third, Green Belt Movement was started in 1977, 1975, 1976, none of these. So the right answer is 1977. Fourth, the president of Kenya called Wangri a beautiful woman, a cunning woman, a mad woman, none of these. वो उनको पागल समझते थे, है ना, कि Wangri बिना बात के ही हंगामा कर रही हैं, पागलों जैसी बातें कर रही हैं. आगे बढ़ते हैं. Write T for true and F for false. यानी जितने भी वाक्य सही हैं उनके आगे हम true लिखेंगे यानी T लिखेंगे, और जो गलत हैं उनके आगे F लिखेंगे यानी false लिखेंगे. So let's begin. The first sentence, Wangri Maathai's passion for trees came from her grandmother and other family members. Yes, we can say it. It is true. उनको पेड़ पौधों के बारे में लगाव तो उनके family से ही inherit किया था उन्होंने. This is true. Second, Wangri Maathai could not have led a comfortable life. This is false. वो आराम से एक comfortable जीवन जी सकती थी, लेकिन उन्हें लगा कि जीवन को इस तरह से नष्ट नहीं करना है, अपने लोगों की मदद करनी ज़्यादा ज़रूरी है. Third, deforestation had destroyed the lush landscape around her home. Yes, this is true. बिल्कुल. Fourth, the dots that Wangri Maathai connected were the relationship between people's right, democracy and peace. Yes. This is also true. Fifth, Wangri Maathai found planting trees was a way of undoing environmental damage. यानी कि environmental damage को रोकने के लिए planting trees is a very fine solution, and this is also true. Okay, so we are done with the exercises, children. I hope that you have noted down all the answers. So with this, we come to an end to today's session. I hope you enjoyed the session thoroughly. आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकते हैं. सो आई विल मीट यू अगेन इन द अपकमिंग सेशन. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोज़. ऑलराइट, बाय बाय एंड टेक केयर.